नमस्ते दोस्तों दोस्तों मैं सुमन वशिष्ठ फिर से आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में पनीर को हम ज़्यादा समय तक किस तरह से सही रखें, अगर हमारे पास ज़्यादा पनीर है और उस टाइम हमने बनाना भी नहीं है और उसे 6-7 दिन के लिए हमें रखना है ताकि वो पीला भी ना पड़े और ख़राब भी ना हो, तो उसे सही कैसे रखें, यही बताया है मैंने अपनी इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों देखिए मेरे पास इस टाइम ये पनीर रखा हुआ है और इसे मैंने अभी बनाना भी नहीं है, कुछ दिन रखना है। तो मैं इसे सही कैसे रखती हूँ दोस्तों, अगर आपके पास बचा हुआ पनीर है तो और वो पीला भी ना पड़े ख़राब भी ना हो, तो उसे सही रखने का तरीका क्या है कि मैं इस पनीर को क्या करूँगी, पानी में बिल्कुल डुबो दूँगी। ऐसे पानी इस पनीर के ऊपर तक होना चाहिए, ज़रा सा भी पनीर पानी से बाहर नहीं रहना चाहिए, ज़रा सा भी रहेगा तो वही पीला और ख़राब होने लगेगा। पनीर को बिल्कुल पानी में डुबो करके फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। और इस तरह से हमारा पनीर 6-7 दिन तक बहुत ही अच्छे ढंग से फ्रेश रहेगा। और जब भी ये क्या करना है, बस एक तरीका ज़रूर करना है, इस पानी को हम डेली बदलेंगे। जैसे आज मैंने ये पानी डाल दिया, कल मैं इस पानी को बदल दूंगी, दूसरा पानी इसमें डाल दूंगी और इस तरह से जितने दिन भी मुझे रखना है मैं इसका पानी बदलती रहूंगी और पनीर को बिल्कुल डुबो करके रखना है। तो यही एक तरीका मैं आजमाती हूँ, आपके पास कोई दूसरा हो तो मुझे भी बताना। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।